बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जी हाँ, आज की ये वीडियो क्लास 11 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट होने वाली है जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। क्या है अपडेट, ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर्स का नाम आपका चेंज कर दिया गया है, कुछ के टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने वाले, यानी कि हर एक चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ पे लेके आने वाले। बेसिकली हर चैप्टर के हम क्या करेंगे, दो पार्ट लेके आएंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। आधा चैप्टर पार्ट वन में पढ़ लेंगे और रेस्ट ऑफ द चैप्टर हाफ चैप्टर बाकी के पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको एक ही साथ में एक घंटे की वीडियो बना के दे दूंगा तो आप शायद बोर हो जाओगे, इसलिए हम आधे आधे घंटे की वीडियोज लेके आए, ठीक है। और इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, अभी देखना आगे एक नमूना आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आने वाले जो वीडियोस है उसमें मैं आपको एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे देने वाला, ठीक है। यानी कि आने वाली वीडियोस एक स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आप रेडी हो जाओ एक स्मार्ट स्टडी के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, अगर मैं आपके टर्म वन सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर वन और टू जिसे मिला के एक ही बना दिया गया है, जिसका नाम यहाँ पे बेसिकली संविधान रख दिया गया, ठीक है। तो वैसे तो आपको यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देख सकते हैं आप। संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव, प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और स्थानीय शासन। चैप्टर 9, 10 ये आपका डिलीट। और सेकेंड बुक से आपको एक चैप्टर पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांतिक परिचय। इस बारे में पेश है आपके सामने आने वाले वीडियोस का एक अहम नमूना। यहाँ पे हमने आपका टॉपिक लिया है संविधान के कार्य। तो संविधान के कार्य में देखो, बहुत से संविधान के कार्य, बेसिकली 4 कार्यों के बारे में आपके इस चैप्टर में डिस्कस किया। पहला कार्य आप यहाँ पे देख लो, पहला कार्य क्या है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे। दूसरा कार्य क्या है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। पहला कार्य तो ये हो गया, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं, रेड लेते हैं। तो पहला कार्य तो ये हो गया, दूसरा कार्य क्या है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे नियंत्रित होगी। तीसरा कार्य क्या है, तीसरा कार्य कि सरकार जो है नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में आ जाता है। चौथा कार्य क्या है, चौथा ये है ऐसी क्षमता दी जाए सरकार को कि वो आसानी से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, जनता के आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ये एक पहला नमूना हो गया आपका। देखो कितने अच्छे तरीके से एक एनिमेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई, ताकि आपका दिमाग भी इधर उधर भटके ना, स्क्रीन पर ही रहे और अच्छे से समझ जाओ। अब यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविधान जो है इसके स्रोत, तो यहाँ पे देखो जैसे अमेरिका का संविधान है इससे क्या क्या उधार लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में लिया गया है, कनाडा का संविधान हो गया, फ्रांस का संविधान हो गया, इवन यहाँ पे एक और है, एक देश और है जो कि है ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ऐसे बहुत सी चीजें। यानी कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक नमूना दिखाया है, ये छोटा सा नमूना है आने वाले वीडियोज का आपके लिए, क्योंकि अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूंगा। बस आपको एक ही चीज करनी है, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ कि हाँ सर आप स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसा कमेंट कीजिए, मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा इससे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना आने वाली वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर वन है हमारा संविधान, न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग से हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप संविधान के अर्थ, आवश्यकता, कार्य, विशेषताएं, भारतीय संविधान कैसे बनता है, इसकी कमियां, स्रोत, विरासत, सिद्धांतों का टोकरा, इस तरीके से ये टॉपिक्स आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। देखो जो सिलेबस की वीडियोस है पॉलिटिकल साइंस की, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, उसमें मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं। यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे सिलेबस की वीडियोज़ के और चैप्टर की वीडियोज़ से, वहाँ से देख सकते हो। चैप्टर सेकेंड जो है ये बेसिकली अधिकारों से संबंधित है, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकार, इसमें अधिकार, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति निर्धारण, और जो भारतीय संविधान में वर्णित 6 अधिकार हैं, 7 थे बाद में 6 रह गए इसके बारे में। फिर चैप्टर थर्ड है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व, अर्थात इसकी परिभाषा, और फिर इसके बारे में
चुनावी व्यवस्था सुधार प्रणालियां कौन कौन सी हैं, आयोग क्या करता है, इस तरीके से आप इसमें डिस्कस करोगे। फिर कार्यपालिका अर्थ क्या है, इसके कार्य, इसकी विशेषताएं, प्रकार, भारत में कैसी है, राष्ट्रपति पद, योग्यता, शक्ति, महाभियोग, प्रधानमंत्री पद, योग्यता, शक्ति, विशेषताएं, नौकरशाही, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको इस इन इन चैप्टर्स में पढ़ने हैं, जो कि आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 है जो बेसिकली संसद पे बेस्ड है, राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर। चैप्टर नंबर 6 जो है न्यायपालिका, न्यायपालिका के संबंध में, इसकी संरचना कैसी होती है, विवाद क्या है, अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, संघवाद में यही आ जाता है, इसकी अर्थ प्रकार विशेषताएं, भारत में जो भारतीय संविधान है उससे संघवाद क्या है, ताकतवर केंद्र सरकार क्यों है, शक्ति का विभाजन, राज्यपाल, राष्ट्रपति की भूमिका, तनाव कैसा है, जम्मू कश्मीर विवाद के बारे में इसमें समझेंगे जो कि वर्तमान में टल चुका है। और उसके बाद फिर चैप्टर जो हमारा 8 है, स्थानीय शासन का अर्थ, आवश्यकता, विशेषताएं क्या है, भारत में कैसे विकास होता है, 73वां और एक सेकेंड यहाँ पे 74वां लिखना चाहिए इस तरह से, 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है इसके बारे में। और फाइनली आपकी जो सेकेंड वो क्या है, राजनीति सिद्धांत एक परिचय, इसके बारे में आप राजनीति क्या है, राजनीति सिद्धांत क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, कैसे विवाद में डाल सकते हैं, हमें क्यों पढ़ने चाहिए, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ। बेसिकली आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन मकसद है वो ये था, आपके लिए बस एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की सूचना देना कि आने वाली वीडियोस आप सभी बच्चे जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, जिसका एक नमूना आपके सामने हमने इस तरह से पेश किया है कि किस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि एक टॉपिक हमने उठाया संविधान के कार्य के बारे में, एक टॉपिक और हमने उठा लिया भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, फिर हमने क्या देखा है कि चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होंगे। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है संविधान, इससे ये पढ़ना है। चैप्टर सेकंड भारतीय संविधान में वर्णित अधिकार, इससे आपको ये पढ़ने हैं संविधान में अधिकार। चैप्टर थर्ड चुनाव तथा प्रतिनिधित्व, इससे आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर फोर है हमारा कार्यपालिका, इससे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर सिक्स है हमारा यहाँ पे, चैप्टर फाइव है विधायिका, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपको पढ़ने हैं। चैप्टर सिक्स है यहाँ पे न्यायपालिका। चैप्टर सेवन आ जाता है संघवाद, उसके बाद चैप्टर एट आ जाता है स्थानीय शासन, और आखिरी में सेकंड बुक का आ जाता है चैप्टर नंबर 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो आशा करता हूँ कि आज का आपको ये जो अपडेट है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया। गाइस बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में अपना फीडबैक दो कि यस सर आप स्टार्ट कीजिए अपनी सीरीज को, हम आपके साथ हैं, आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस लेके आने वाला हूँ चैप्टर वाइज, इसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अपने चैप्टर्स की अपने एक्सप्लेनेशन के साथ में। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।